उधर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और इधर इंदौर के गीता भवन चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के साथ अपनी सरकार बनाने की खुशियां मना रहे थे। गुरुवार शाम को 6:40 पर महाराष्ट्र में तीनों दलों की संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में जैसे ही उद्धव ठाकरे ने शपथ ली, इंदौर में क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव चंद्रकांत कुंजीर चंदू भैया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इंदौर शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के गीता भवन चौराहा स्थित निजी कार्यालय के बाहर मिठाई वितरित करते हुए जमकर आतिशबाजी की। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए अपने हाथों से मिठाई खिलाई। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव चंद्रकांत कुंजीर ने कहा कि देश में भाजपा की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र जैसे प्रमुख राज्य में भी भाजपा सत्ता से बाहर हो चुकी है। रात के अंधेरे में गुपचुप सरकार बनाने वालों को ईश्वर ने करारा जवाब दिया है। श्री कुंजीर ने कहा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, और आखिरकार महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता में पुनर्वापसी हो गई है। श्री कुंजीर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह सरकार पूरे 5 साल चलेगी और शिवसेना के साथ यह एक नई शुरुआत है जिससे धर्म निरपेक्षता भी मजबूत होगी। महाराष्ट्र इस देश का सबसे बड़ा रेवेन्यू, सबसे बड़ा राज्य, जहां पर आज महागठबंधन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की आज सरकार बनने जा रही है। उद्धव ठाकरे जी ने आज मुख्यमंत्री की शपथ ली। ये हम कांग्रेस जन के लिए बड़े खुशी की बात है कि जो महाराष्ट्र में जो लोकतंत्र की हत्या की गई थी भाई नरेंद्र मोदी और भाई मोटा भाई के द्वारा, वहाँ के विधायकों ने, वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखाया और आज उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। और आशा करता हूँ कि महाराष्ट्र में सरकार सुचारू रूप से चलेगी और बड़े विकास के कार्य होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी को सबक दिया गया है कि अब आपकी झूठ फरेब की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। जनता आपको समझ चुकी है। एनसीपी और शिवसेना की जो गठबंधन की सरकार बनी है वो भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब है। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मुंह तोड़ जवाब है, उन्होंने जो मुंगेर लाल के सपने देखे थे वो हमारे कांग्रेस पार्टी ने मुंगेर लाल के सपने खत्म कर दिए। मुख्यमंत्री देखते रह गए और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बन गई है। हम लोगों ने निश्चय कर लिया है, अभी तो हमने राजस्थान छीना है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी छीना है, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी छीना है, मध्य प्रदेश छीना है, अब आने वाला समय हम झारखंड भी छीनेंगे। हम हिंदुस्तान की जनता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को बता देंगे कि जनता जाग गई है, आपका निठुल्लापन, आपका वादा खिलाफी आप जनता समझ चुकी है। आपके वादा खिलाफी में आज जनता आएगी नहीं और इस बार कांग्रेस को वोट देगी। आज आपने क्या करा? आज के क्या? आज हम लोग महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बनी है उसके खुशी के अंदर यहाँ गीता भवन चौराहे पे लड्डू बांट रहे, आतिशबाजी कर रहे हैं। वो सबको दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस जो बोलती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने मुंगेर लाल के सपने देखे थे वो निरस्त हो गए और कांग्रेस की खुशी की लहर तोड़ पड़ी है। बिल्कुल लंबे समय नहीं, हमेशा के लिए सरकार चलाएंगे आप तीनों जनता मिलकर। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में ना रहे, हम लोगों ने सपने निश्चय कर लिया है, एनसीपी ने और शिवसेना और कांग्रेस ने, जो सरकार बनेगी बहुत लंबी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी देखते रह जाएगी। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा, अध्यक्ष द्वारा, ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद
कुंभकर्ण की नींद सो रहे उनको जगाने के लिए सब सांसदों का घर घेरेंगे, उनके घर पर जाकर घंटे घड़ियाल बजाएंगे, उनको बोलेंगे जनता ने आपको चुना है, आप जनता का काम करिए, आप जनता के जनता का जो आपको जिताया उनका विश्वास जीतिए। बाकी वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत गए वो आज की तारीख में एक जनता की तरफ देखने को तैयार नहीं है। इन मध्य प्रदेश किसान रो रहा है, फसलें खराब हो रही है, उनका जो हमारे हमने हमारे मुख्यमंत्री 7,000 करोड़ रुपये मांगे थे 1,000 करोड़ रुपये दिया है। हम लोग बोलेंगे सांसदों को आपने क्या कर रहे हो, आप जगो और आपके प्रधानमंत्री को बोलो कि मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार परेशान है, उनको रोजगार दिलाओ और किसान को उनका मुआवजा दिलाओ। इसको लेकर हम जितने भी सांसद के सबका घर घेरेंगे।